इस तरीके से मुंबई के खिलाड़ी जो है दौरा कर रहे हैं कि जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शामिल हैं, अजिंक्य रहाणे वगैरह सब हैं, खिलाड़ी सभी लोग मौजूद हैं। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पटना के मोइनुल हक ऐतिहासिक स्टेडियम में बिहार और मुंबई के बीच रणजी का मैच खेला जा रहा था, जहां मुंबई ने पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार की टीम को करारी हार दी है। जी हां, पारी और 51 रन से बिहार की टीम हार गई है। इसे अब वीडियो तस्वीर में देखिए किस तरीके से जीत के बाद मुंबई की टीम जो है पूरे मैदान के चक्कर लगा रही है, जिसमें अजिंक्य रहाणे हैं, धवल कुलकर्णी हैं, सरफराज खान हैं और शिवम दुबे हैं, जो स्टार खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, भारत के स्टार खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है। सब लोग जीत के बाद किस तरीके से दौरा कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे मैदान का, और लगातार उन्होंने दर्शकों को आज स्वीकार किया, अभिनंदन किया है और दर्शकों के सामने एक से एक जो है अपनी प्यार को, अपने स्नेह को दर्शकों के साथ शेयर भी किया है। आपने खुद देखा किस तरीके से, इस वीडियो में आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से मुंबई की टीम, चाहे शिवम दुबे हो, सरफराज खान हो, धवल कुलकर्णी, सभी भी टीम जीत के बाद जो है पूरे मैदान का चक्कर लगाया, दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया है। देखिए किस तरीके से अजिंक्य रहाणे हैं, सरफराज खान हैं, तमाम लोग। हालांकि मुंबई की टीम के जीत के साथ साथ यहाँ के बिहार के दर्शकों में काफ़ी खुशी है, एक तरफ गम है बिहार की टीम को हारने की, तो दूसरी तरफ पटना में लंबे अरसे के बाद रणजी का मैच हुआ है, तो लोगों में एक उत्साह भी है, जुनून भी है, और लोग इस उम्मीद से इस मैच को देखने आए थे कि अब बिहार के साथ बदहाल क्रिकेट के दिन बहुरने वाले हैं, बदलने वाले हैं, लोगों को भी यहां अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। किस तरीके से जीत के बाद मुंबई की टीम ने मैदान का दौरा किया है, चक्कर लगाया है, आपको मैंने इस वीडियो को दिखाया, आपने देखा है किस तरीके से टीम जो है खिलाड़ी सभी मैदान का दौरा कर रहे थे। फिलहाल बिहार की टीम की हार हुई है, लेकिन यहाँ के दर्शकों का जुनून और उत्साह जरूर इस बात का संकेत दे रहा है कि बिहार में क्रिकेट के अच्छे दिन जल्द बहाल हो जाएंगे। फिलहाल आप देख रहे थे लाइव बिहार, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।